days from now, almost all humans have lost the ability to see. फैसल साहब, हम आपका इंटरव्यू करने आए थे, आपने हमें टीवी में लगा दिया। बस आप लोग लगे हुए थे चीजें करने, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं बैठ के देख लूं, कम वक्त मिलता है टीवी देखने का। अच्छा, बट थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम, योर टाइम आल्सो। अच्छा ये बताएं, अभी मैं बस अंदर आ रही थी तो मैंने देखा कि आपने कुछ ऑर्डर किया है फॉर डिलीवरी, व्हाट आर यू ईटिंग? नहीं, वो मेरे लिए नहीं, वो आयत के लिए था। मैं तो बहुत मतलब आजकल डाइट वाइट पे चल रहा हूं। तो नाश्ते में क्या खाया? सिर्फ ऑमलेट। सिर्फ ऑमलेट? यस। डिप्रेसिंग नहीं है थोड़ा सा? नहीं, अब वरना पेट सामने आ जाता है। That's more depressing. लेकिन thank you so much. मैं आपका घर देखने आई हूँ, आपका घर देख सकते हैं? आप देख रही हैं? हाँ, very nice. अच्छा ये बताएं, इंटीरियर डेकोरेटर कौन है? मैं ही हूँ। अच्छा, it's you, not your wife. यहाँ ये पूरा मेरा ये यहाँ का। अच्छा चले आ जाए ना, बस थोड़ा सा देखते हैं आपका घर वगैरह। अच्छा साथ में मेरा मेरे सवाल है, आपकी जवानी का क्या राज है? अच्छा मैं आपको पहले थोड़ा सा जवानी का राज, मेहनत करें, हसद ना करें और लाइफ को एंजॉय करें, दैट्स ऑल आई कैन से। और मैं लोगों को यही कहता हूँ कि खामखा जलने के बजाय आप अपनी लाइफ को एंजॉय किया करें। दैट्स इंटरेस्टिंग। यस। हु डू यू रिलेट विद मोर, सरदार सैफ ऑफ मुकद्दर और साद ऑफ लोग क्या कहेंगे? नहीं, दोनों से ही नहीं, वो ज़रा गुस्से वाला आदमी है सरदार, मैं उतना हूँ नहीं। साद जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मैं उतना भी नहीं हूँ। तो मैं, मेरा एक ड्रामा था नाराज़, मैं उससे बड़ा कनेक्ट करता हूँ उसके कुछ पार्ट से अपने आप को। सो ये मेरी स्टडी है छोटी सी। अच्छा मुझे बताएं, व्हाट इज़ योर फेवरेट पीस इन दिस रूम? मेरे ख्याल से एक एक चीज़ मैंने बड़ी शौक से ढूंढ ढांड के निकाली है। इधर एक बशर मोमिन की बड़ी सी पोर्ट्रेट भी लगी हुई है, वो भी दिखा दें। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी लाइट्स थोड़ी सी ऑन कर देंगे। ओ थैंक यू। ओ वाओ, वेरी नाइस। हां, सो वाओ, वेरी नाइस। हां, ये छोटी सी मेरी एक कलेक्शन आपका कलेक्शन है। हाउ मेनी इयर्स इट टेक यू टू कलेक्ट इतना सारा? थोड़ा टाइम लगता है ऑब्वियसली, मेरे ख्याल से काफी अरसे से सारा कुछ चल रहा है। So, जब जहाँ जहाँ से जो जो मिलता गया ले लेके रखता गया। अच्छा हम एज की बात कर रहे हैं तो बहुत से लोग ये तनकीद करते हैं कि ओल्डर मेल एक्टर्स बड़े आराम से यंग फीमेल एक्टर्स के साथ काम कर सकते हैं, डू यू अग्री? ये अगर मैं बात करूँ तो मैं यही कहूँगा कि पूरी दुनिया में शायद ये इशू है। चाहे वो मैं नाम लूँ आपका, डेमी मोर हो, प्रियंका चोपड़ा हो, या ये जो नई आपकी प्रिंसेस हैं ये हो। ओके। सो वो जहाँ कोई बड़ी उम्र की लड़की किसी यंग लड़के से शादी करती है तो अजाब मच जाता है। बाकी अगर कोई टॉम हैंक्स अगर टॉम क्रूज अगर कैटी से शादी करता है तो कोई इशू नहीं होता। दैट्स ट्रू। तो ये मेरे ख्याल से एक पूरी दुनिया में ये मसला है। और चाहे हिंदुस्तान देख लें, चाहे पाकिस्तान देख लें, चाहे हॉलीवुड देख लें, डैनियल क्रेग भी जो हैं वो जवान लड़कियों के साथ आते हैं, टॉम क्रूज भी जवान लड़कियों के साथ आते हैं, अक्षय, शाहरुख, सलमान, इवन इन पाकिस्तान हमेशा से ये सिलसिला रहा है। और अगर कहीं कोई लड़की मेरा जैसे आई रिमेम्बर सीरियल था हरजाई। अच्छा। सो हरजाई जब मैंने किया तो वो अतीका वॉज माई हीरोइन और मुझे बड़ा क्रिटिसाइज करते थे उसमें लोग कि पागल हो गए हो तुम अतीका के साथ। और मैंने कहा तो क्या हो गया यार। तो ये एक मेरे ख्याल से हमारे यहाँ छोटा सा मसला है। दैट्स ट्रू। अच्छा वैसे रिसेंटली आपकी 50 करोड़ वाली मार्केटिंग कैंपेन बहुत पॉपुलर हुई, अगर पाकिस्तानी वर्जन ऑफ मनी हाइस्ट बनता तो हु वुड प्ले द प्रोफेसर? अरे उसके तो राइट्स हिंदुस्तान को नहीं मिले तो पाकिस्तान को कहाँ से मिलेंगे? अगर आप बनाते पता नहीं, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर शायद कोई भी बहुत अच्छा कर लेगा पाकिस्तान में। वी हैव ग्रेट एक्टर्स। आप कौन सा कैरेक्टर चूज करते हैं उसमें? अगर मैं करता तो ऑब्वियसली प्रोफेसर ही करता। अच्छा सो या देयर वी गो। हां, आपका किचन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इट्स अ वेरी नाइस ओपन सेटअप। क्या आप खाना बनाते हैं? जी मैं बिल्कुल खाना पकाता हूँ। मेरी बहुत सारी YouTube वीडियोज़ हैं, अगर आप वो देखें तो उसमें आपको मैं यहाँ नज़र आऊँगा खाना पकाता हुआ। What is your favorite thing to make? देसी एक्चुअली, कढ़ाई वगैरह मुझे बहुत पसंद है खाने में और मैं वो बड़े शौक से बनाता भी हूँ और खाता भी हूँ। People's Party या PTI, who is better for Karachi?
फॉर कराची पीपीपी को हमने पिछले 10 सालों में देख लिया, पीटीआई को भी पिछले एक साल में देख लिया, क्या कह सकता हूँ मैं। आई एग्री, लेट्स कम टू दिस लिटिल सेक्शन हियर। यहाँ एक बहुत सारे अवार्ड्स हैं, इतने सारे अवार्ड्स हैं कि आप फिट ही नहीं आ रहे जी। हाउ डज दैट फील? ये लोगों की मोहब्बत है, मिल गए हैं, कुछ तुक्के में मिल गए हैं, कुछ मेहनत पे मिल गए हैं। वन वर्ड फॉर खलील रहमान कमर। सच बोलने में कोई गलत बात नहीं है, बोलना चाहिए, लेकिन दिल आजारी नहीं होनी चाहिए किसी की। लोग कहते हैं द पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज लाइक वन बिग फैमिली, डू यू अग्री? आई डू अग्री, लेकिन बीच में फुफुएं बहुत हैं। फुफू कौन है वैसे? आ जाती हैं, तीन चार हैं कुछ ऐसे लोग जो कि खामखा जान का अजाब बन जाते हैं। लेकिन हाँ, ये हकीकत है कि हमारी उतनी लड़ाइयाँ या उतने झगड़े नहीं हैं, हम लोग फिर भी ज़रा मिल के रहते हैं थोड़ा सा। हम जा रहे हैं आई थिंक इनटू अ वेरी पर्सनल बट वेरी अमेजिंग प्लेस, है ना आपके घर में? अच्छा चलिए, अच्छा साथ साथ वो देख लें, वो जो डिलीवरी आई थी वो आयत खा रही थी। ओ अच्छा, हाय। वो मैं नहीं था, माय वाइफ सना, फरमान, आयत और बेड़ा गरक हुआ हुआ है यहाँ पे। फैमिली होम ऐसे ही होता है। क्लीन अप कर रहे हैं। This is the cleanup time. हाँ, it's a cleanup day. अगर ना करें, I think it's a good for your day off actually. Day off. Oh hi, hello baby, how are you? Such a cute little thing and so friendly. अच्छा ये बताएं, how do you balance daddy duties with such a tough schedule? हाँ, ये मेरे ख्याल से सना ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकती है, because मैं बड़े तरीके से काम करता हूँ। Time scheduled होते हैं मेरे, मैं पागलों की तरह काम नहीं करता कि सुबह से गए तो रातों को आ रहे हैं और पूरा पूरा हफ्ता काम कर रहे हैं, महीना महीना काम कर रहे हैं। मैं बड़ा रुक रुक का के काम करता हूँ, सो ऑफ भी लेता हूँ, छुट्टियाँ भी मनाता हूँ ताकि इन लोगों को टाइम दूँ। बाद में ये सिर्फ टीवी पे देख के ना बताएं कि ये मेरा बाप है। हाँ, exactly. बिल्कुल। कहाँ जाना है? He is very, very cute. माशाल्लाह। माशाल्लाह। आपका फेवरेट वेकेशन स्पॉट क्या है? मेरे ख्याल से हम सबका टर्की है, हमें टर्की जाने का बड़ा शौक है। इसको भी बड़ा पसंद है टर्की। टर्की इज अ ग्रेट स्पॉट रियली। अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द वार्डरोब एरिया। फैंटास्टिक जी। फाइनली अब आदमियों की भी वार्डरोब ग्रेट होनी चाहिए ना? आदमियों की नहीं, मतलब एक्टर ना होता तो शायद ये वार्डरोब ना होता मेरा। वेरी नाइस, दो आई रियली लाइक द सेटअप। चाय या कॉफी? दोनों, जब भी। ज्यादा कॉफी। आपका फेवरेट डिजाइनर कौन है? पाकिस्तानी या बाहर? पाकिस्तान में तो आधे अंदर। पाकिस्तान में तो बहुत सारे लोग हैं जो जिनके मैं कपड़े पहनता हूँ। वाओ, सॉरी, अमेजिंग। दिस इज माय ड्रीम क्लोज़ेट। अभी तो बहुत मेस्ट अप हुआ है, बिकॉज़ मैं हर महीने मेरे कपड़े निकलते हैं। तो अभी वो वाला सिचुएशन चल रही है, तो अभी जूते निकाल के फारिग हुआ हूँ, शलवार कमीज फारिग की है, बाकी जो है वो कुछ चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं। आई होप सना हैज़ द सेम वार्डरोब। सना का ऐसा नहीं है। नवीद रजा इज हियर बाय द वे। हेलो मिस्टर नवीद रजा, आपके लिए आपका बच्चा लाया हूँ। मिस्टर नवीद रजा, ये बताएं, डू यू हैव द सेम वार्डरोब? यस, काइंड ऑफ। यू डू? डज योर वाइफ? असल में मसला ये है कि वो हर सीरियल सोप का कलेक्शन होती है। अच्छा। कोशिश हम यही करते हैं कि हमेशा हम लोगों को सेट के बाद कपड़े दे देते हैं, बांट देते हैं, लेकिन फिर भी, लेकिन ये हमारा इश्क है ना, तो ये इश्क है। अच्छा, मसला तो नहीं लग रहा। एग्जैक्टली, एकदम परफेक्ट। नहीं, सो बहुत सारे चश्मे यहाँ पड़े हुए हैं, घड़ियाँ वहाँ पड़ी हुई हैं। अभी जरा मैसअप हुआ हुआ है, बिकॉज मैं चीज़ें सेटअप कर रहा हूँ। ये मेरी कैप्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे, वो मेरा सारा हार्ले की जैकेट्स वगैरह हैं। लॉट्स ऑफ वॉचेस एंड लाइक वाओ। हाँ, लेकिन आफ्टर दिस ये सब बेचारी फारिग हो गई हैं। ये बड़ा मसला हो गया है। सेम इशू है ना। तो मैंने अपनी सारी घड़ियां देखी, चल कुछ नहीं चल रही, बस आधी बंद पड़ी हुई है। यार ये क्या हो गया, आई वॉच ने जरा बाथरूम में ज्यादा टाइम लग जाता है। नहीं नहीं भाई, बाथरूम में। अच्छा, आप टिकटॉक पर एक शो होस्ट करते हैं, डू यू थिंक टिकटॉक इज कैंसर जैसे फिरोज खान ने कहा? Somehow थोड़ा सा अग्री करूँगा मैं फिरोज की बात से। सेंसिबल आदमी है, गलत बात नहीं करता है वो।
लेकिन मेरी कुछ ऐसे बच्चों से मुलाकात हुई है टिकटॉक पे जो वाकई कुछ करना चाहते हैं और मेहनत कर रहे हैं। बगैर मेहनत के आपको ठीक है थोड़े दिन की सक्सेस मिल जाती है, आप काम कर लेते हैं, पर सक्सेस को मेंटेन रखना या जो आप की एक पॉपुलैरिटी जो है, अभी इनको भी रियलाइज़ हुआ जब टिकटॉक बंद हुआ तो इनको भी रियलाइज़ हुआ कि यार अगर वाकई ये बंद हो गया तो क्या होगा। सो हमें बहुत सारे स्टार्स मिल रहे हैं और एक ऐसी जगह है जहाँ से नए बच्चे आपको मिल सकते हैं, बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि ज़्यादा लोग होने चाहिए इंडस्ट्री में, ज़्यादा लोगों को आना चाहिए इंडस्ट्री में। नहीं नहीं, कम बैक टू योर रूम। हाँ, व्हाट्स योर फेवरेट पीस? मेरे ख्याल से मेरी ये शूटिंग्स जो हैं। इसमें से आपका फेवरेट कौन सा है? मेरे तो सारे फेवरेट हैं, इसलिए बचे हुए हैं, वरना एक वो होता है ना जो बंदा कहता है कि मैं आज ये पहन रहा हूँ फिर कल भी वही पहनते हैं, वही पहनते हैं। नहीं, ऐसी जैकेट्स बहुत हैं, ऐसे कोट बहुत हैं। ब्लैक सूट मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास कुछ हो ना हो, एक ब्लैक सूट आपके वार्डरोब में होना आपके परफेक्ट साइज पे बहुत ज़रूरी है। सो मेरे वार्डरोब में कुछ 4 या 5 ब्लैक सूट हैं जो कि अलग अलग साइजेस पे हैं, बिकॉज मैं अक्सर अपने साइज चेंज करता रहता हूँ, जो कि एक सबसे बड़ा अजाब है। तो इस तरह के बहुत सारे ब्लैक सूट्स आपको मिल जाएंगे। ये गुची उची भी पड़ा हुआ है, बाकी और भी बहुत सारे हैं। ओके, वेरी वेरी नाइस। हाँ, हम निकल सकते हैं। अच्छा ये बताएं, आप इतने बड़े स्टार हैं, हु हैज एवर मेड यू स्टार स्ट्रक? मैं नदीम साहब को मैं जब भी देखता हूँ मैं एक सुन हो जाता हूँ बिल्कुल। मुझे नदीम साहब के बाद मैं यूँ हो जाता हूँ, हालांकि यू वोंट बिलीव कि मैं मेरे अब्बा के दोस्त बचपने से मैं उनके साथ मतलब मेरी हेलो आए और मैंने बेग साहब के साथ बहुत काम किया, बट उसके बावजूद भी मेरे साथ ये होता है कि मैं अक्सर व बेशतर बेग साहब के सामने मैं गबल्ले मारना शुरू कर देता हूँ। है ये मसला? Does he know? हाँ हाँ, ही नोज़, उनको पता है कि वो मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। बल्कि अक्सर सेट्स पे वो कभी गाना गाते थे तो मुझसे ऐसे ही पूछ लेते थे वो कौन सा गाना है, वो कौन सी फिल्म का है, तो मैं उनको बता देता था। तो मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ बेग साहब। हाँ, नाइस। और इवन शान भी मुझे बहुत पसंद है। वेरी नाइस जी। यू डन सम वेरी डार्क रोल्स, हाउ डू यू गेट इनटू द कैरेक्टर? पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ बहुत सारी चीज़ें। डिपेंड करता है किस तरह के कैरेक्टर्स हैं, किस तरह के कैरेक्टर्स नहीं हैं, तो हो जाता है। मैं कभी प्लान नहीं करता चीज़ें। कई दफ़ा तो ये होता है कि ऑन सेट जाके हो जाता है सारा कुछ, कई दफ़ा ये होता है कि बस कर लेते हैं। अच्छा, आई ओनली हैव वेरी फ्यू क्वेश्चंस, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, एंड इफ़ यू कैन यू नो मेक सम खाना। अभी खाना? हाँ, मैं पकाऊं? ऑफ कोर्स। अरे मैं तो डाइट पे हूं, तो मैं तो नहीं हूं। आपके लिए मंगवा सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। नो नो, लेट्स गो टू योर किचन एंड यू कैन मेक मी समथिंग ना साथ साथ, व्हाई नॉट। अच्छा, शादी लव होनी चाहिए अरेंज्ड? कॉफी पिला सकता हूं, चाय बना सकता हूं, पापे पी लें। कॉफी चलेगी, कॉफी चलेगी। अगर आप खुद पेंटेगी फिर चलेगी। शादी लव होनी चाहिए अरेंज्ड? अरेंज हो, लव हो, अंडरस्टैंडिंग हो, रिस्पेक्ट हो बस एक दूसरे की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी लाइफ पर अगर एक मूवी बनती तो हु वुड यू वांट टू प्ले यू? मी आई थिंक फहद मुस्तफा कैन प्ले मी वेरी वेल। दैट्स एक्चुअली नॉट अ बैड आईडिया, आई कैन एक्चुअली सी हिम प्लेइंग यू। वैसे नहीं 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 यार, फहद मुझे बहुत पसंद है। हां, ही इज अ ग्रेट। सबको पता है कि वो मेरी जान है वो। ही इज अ गुड एक्टर आल्सो। हां हां, वंडरफुल एक्टर। अच्छा, इजाज असलम आपको डॉक्टर क्यों कहते रहते हैं? पता नहीं, उसको लगता है दुनिया के सारे इलाज मैं कर सकता हूं। अच्छा। हाँ, उसको ऐसा लगता है कि वो कोई भी मसला होगा तो, हालांकि वो खुद बहुत बड़ी दाई है लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ वो काफ़ी सारे मसलों का हल हूँ। हाँ। अच्छा ये बताएं, लास्ट 2 questions आई हैव। जी जी। आपने एक इंटरव्यू में कहा था व्हेन यू लूज वेट पीपल ये कहते हैं कि आपने ड्रग्स लिए हुए, अभी भी आप डाइट पर हैं, ऐसा क्यों है? लोगों को ना कुछ बोलना होता है, हर चीज़ में कोई ना कोई एक चीज़ निकालनी होती है उन्होंने, तो मुझे भी कभी कभी समझ में नहीं आता। मतलब मैंने जब किसी से सुना तो मैं उसकी शक्ल देख रहा था और मैंने कहा था यार, मतलब मैं 4-5 महीने मैं रनिंग कर रहा हूँ, मैं डाइट कर रहा हूँ, मैं अपना दिल मार रहा हूँ, ड्रग्स करने वालों की शक्लें ऐसी होती हैं, मतलब खुदा के वास्ते यार। तो लोग हैं पता नहीं जो दिल में आता है बातें करने शुरू कर देते हैं। Why do you think people do that? Jealousy है, competition है, क्या है? नहीं, अपने आप को कमतर समझते हैं।
सो जो इंसान अपने आप को किसी से कमतर समझता है वो इसीलिए किसी दूसरे को जब देखता है कि वो बड़ा है आपसे, आपसे नीचे है, तो वो आपके बारे में गलत बातें करते हैं। अब्दुल्ला भाई ये क्यों नहीं चल रही मशीन मेरी? हाँ अब्दुल्ला भाई जो है ना मेरी असल मदद हैं। ऑलवेज। हाँ तो It happens, don't worry. ये हो जाता है बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अभी सारे सिस्टम जो है वो अब्दुल्ला भाई के हाथ में, तो इस वजह से ये होता है। अब्दुल्ला भाई थैंक यू सो मच, मेरी भी कॉफी इसमें से निकल जाएगी फिर। प्लीज़ ये कॉफ़ी ट्राई कीजिएगा, बहुत मजे की है। जी हाँ। अच्छा ये बताएं, व्हाट इज योर फेवरेट मिडनाइट स्नैक, इज देयर वन? मैं 8 बजे डिनर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं खाता हूँ। मैं कम अज़ कम कोशिश करता हूँ कि सुबह 14 से 16 घंटे जो है मैं रात को 8 बजे खाने के बाद फिर सुबह तक कुछ ना खाऊं। और अगर जब मैं डाइट पे नहीं होता, पागल हुआ हुआ होता हूं, तो उन दिनों आप समझ लें कि रात को मूंगफलियां मुझे बड़ी पसंद है। हाँ मैं मूंगफली बड़े शौक से खाता हूं। अच्छा माय लास्ट 2 क्वेश्चन, इसके बाद मैं कॉफ़ी पीऊंगी। आप अभी नेटफ्लिक्स पे देख क्या रहे थे? मैं सर्च कर रहा था, बिकॉज मुझे बहुत दिन हो गए मैं देख ही नहीं पाया हूँ। आज इत्तेफाक से मुझे छुट्टी मिली, तो मैंने कहा कुछ देखूँ, क्या आया है क्या देखूँ। तो वो अभी मुझे, बल्कि मैं फेसबुक पे देख रहा था, मीमी की सीरीज़ भी आई है Z5 पे, सो मैंने कहा वो ट्राई की जा सकती है। बाकी एक दो और चीज़ें आई हैं, वो ट्राई की जा सकती हैं। वैसे सॉरी Z5 का जिक्र हुआ, चुड़ैल देखी आपने? मैंने बिल्कुल देखी। कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। मैं तो उस सीरीज़ के जो एक्टर्स हैं या डायरेक्टर हैं, ख़ास तौर से मैंने आसिम से मैं मिला नहीं हूँ, बट यह है कि आई नो यासरा, सरवत, निमरा, टीपू, जिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ, सानो, सरमत, उन लोगों को मैंने फ़ोन कर करके उनका मैं सर खा गया था। मैंने इस तरह से देखी और 2 दिन में मैंने ख़त्म कर ली थी। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, मॉर्निंग शोज या ड्रामास? ड्रामास ऑब्वियसली, ड्रामा, फिल्म, एक्टिंग, होस्टिंग तुक्के में चल रही है मेरी, चलने देंगे। थैंक यू सो मच फैसल साहब फॉर योर टाइम. And welcome. Now I'll have my coffee. Okay, please. Thank you.